गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के बारे में। पहला, पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के इन्वायरोन से बना, जिसका अर्थ आसपास का घेरा हुआ। इस प्रकार समस्त भौतिक एवं जैविक तत्व जल वायु भूमि जीव पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A के अनुसार इसमें समस्त भौतिक और जैविक तत्व शामिल हैं जो जीव जंतुओं के जीवन को पर्याप्त प्रभावित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार इसे चार भागों में बांटा गया। पहला, लिथोस्फीयर, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। जल स्तर, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। पारिस्थितिकी इकोलॉजी का शब्द प्रयोग एर्नेस्ट हैकल 1986 द्वारा किया गया। इसमें जीवधारियों के पर्यावरण और उसके पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। WWF वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर द नेचर का प्रतीक चिन्ह ज्वाइन पांडा है। इसे 1962 में IUCN के द्वारा बनाया गया। बाघों की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर का राज्य भी कहा जाता है। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क नेशनल हेनली पार्क 1935 है। इसी का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल, औसतन 45 से 55। ओजोन परत हेतु डॉप्सन, भूकंप हेतु सेस्मोग्राफ। इको मार्क पर्यावरणीय शुद्धता का चिन्ह है। एग मार्क खाद्यान्न शुद्धता का चिन्ह। DNA फिंगरप्रिंटिंग अनुवांशिकता निर्धारण प्रणाली। रेड डेटा बुक संकटग्रस्त जीवों से संबंधित पुस्तक है। ग्रीन डेटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन डेटा बुक प्रजाति विविधता से संबंधित पुस्तक है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में। घड़ियाल संरक्षण परियोजना 1976 में। गैंडा संरक्षण 1996 में। गिद्ध परीक्षण परियोजना 2002 में। हाथी परियोजना 1992 से। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, जबकि वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% तथा पहाड़ी क्षेत्र पर 66% जस्ट डबल चाहिए, जबकि वर्तमान में वन की वांछित 24.16 है। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। वन विभाग आयोग के अध्यक्ष VS कृपाल हैं। वनों से संबंधित दो आंदोलन चिपको और अपिको हैं। रेड डेटा बुक के अनुसार भारत में 445 जीवधारियों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इसमें घड़ियाल, सुनहरी बिल्ली, रेड पांडा, तेंदुआ, बांग, सुनहरा लंगूर आदि है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों में जीरोफाइटिक कहे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण संविधान अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक तत्व भाग 4 राज्य के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया। इसे 42वें संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के काल से जोड़ा गया है। नागरिक के मौलिक कर्तव्य 48 से अनुच्छेद 51A के रूप में पर्यावरण की रक्षा 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में स्वतंत्र पर्यावरण को मूल अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शामिल होना घोषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता एक्ट 2002, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 बताई गई। विश्व में विनाशकारी परमाणु दुर्घटनाएं चारबोनिल 1986, यूक्रेन में हुई भोपाल यूरेनियम कार्बाइड 2 दिसंबर 1984 में मिसाइल आइसोथाइनेट का रिझाव फुकुशिमा रिएक्टर से, सुनामी से 2011 में विकिरण से हजारों लोग मरे। डाउन टू अर्थ पर्यावरण वैज्ञानिक सुनीता नारायण की पुस्तक है। इसकी संस्था सेंटर ऑफ साइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट शीतल पेय की घटक में है। उसके बाद जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोलियम, कोयला, डीजल आदि जीवाश्म ईंधन है। इसने ग्रीन गैसों के उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। इसके विकल्प में बायोडीजल या इथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जेट्रोफा बायोडीजल हेतु पाया जाता है। बायोटेक्सिटी लखनऊ में, इको स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश है, टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश को कहते हैं। पश्चिमी घाट यूनेस्को द्वारा भारत के इस क्षेत्र को पैर जीविकता
की समर्थता के कारण अपनी सूची में शामिल किया गया है। इसी क्षेत्र को केरल राज्य में स्थित है महत्वपूर्ण स्थित घाटी केरल राज्य में स्थित शांति घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता में विश्व के में भाग में 25 जैव विविधता में विश्व में भारत का स्थान 12वां है। हरित क्रांति शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कृषि वैज्ञानिक विलियम जे एस गॉड थे। हरित क्रांति का पितामह अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बॉरलॉग को माना जाता है। भारतीय हरित क्रांति के पिता प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कृषि उत्पादन में सर्वृद्धि हेतु किया जाता है। हरित क्रांति भारत में खाद्यान्न उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 1965-66 में पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल की फसलों से जिस अभियान का प्रारंभ हुआ आगे चलकर हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में नई कृषि नीति 2000 में उत्पादन के को बढ़ाने के लिए ध्यान में रखकर इंद्रधनुषी क्रांति पर जोर दिया गया। कृषि विकास दर का लक्ष्य 4% रखकर उदारीकरण के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला अर्बन हिट आइलैंड शब्द का प्रयोग ऐसे महानगरीय क्षेत्रों हेतु जो मानवीय गतिविधियों के कारण अत्यधिक गर्म होता है। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि 1993 का भारत सदस्य है। भारत में प्रथम जैव मंडली क्षेत्र 1986 नीलगिरी में स्थापित हुआ। रामसर अर्धभूमि वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है। 1982 में भारत इसका सदस्य बना था। मृदा सुरक्षा हेतु जिप्सम पाइराइट तथा जैविक रसायन के उपयोग को फसल चक्र को अपनाना चाहिए। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। वनरोपण रेड डेटा बुक संकटग्रस्त जीवों को प्रदर्शित करती है। पग मार्क तकनीकी इसका प्रयोग पशुओं को चिन्हित के आधार पर उसकी गणना में किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग भूमिगत जल संरक्षण की तकनीकी है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव छत सुंदरवन में पाया जाता है। स्वामी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन अमेरिका, जबकि भारत का पहला राष्ट्रीय कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। चिपकुआ आंदोलन बच्चों को बचाने हेतु उत्तराखंड में सुंदरलाल भगोना द्वारा चलाया गया स्थायी परिस्थिति तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। महासागर परिस्थिति संतुलन बनाए रखने हेतु मैदानी क्षेत्रों में 33% और पहाड़ी क्षेत्रों में 65.65% वन चाहिए। डोडो मॉरिशस का पक्षी है जो अब विलुप्त काय है। वन जीव कोष WWF ग्लैड स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य 1972 हेतु नरोबी केनिया में था। प्रदूषण संकेतक पौधा माना जाता है लाइकेन। जैव विविधता पर भंडारण उत्कृष्टी वर्षा वाले क्षेत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट है उत्पादक। हाँ, सजीव प्राणियों को उपलब्ध वाले हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे गाय बकरी हाथी खरगोश इन्हीं उत्पादों पर निर्भर करता है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जीव जैसे सांप मेढक पक्षी तृतीय उपभोक्ता ऐसे जीव को प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं जैसे भेड़िया शेर गिद्ध आदि। सर्वाहारी उपभोक्ता ओमनिवोरस ऐसे प्राणी जो पौधे एवं जंतु का सेवन करते हैं जैसे मानव कुत्ता बिल्ली आदि। उपघटक इसमें जीवाणु कवक व कुसूक्ष्म शामिल होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों का उपघटक करके पुनः चक्रण में सहायता करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं में प्रमुख है। इसका आश्रय पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि है। सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणी वालेस बोएकर ने इस शब्द का प्रयोग ग्रीन हाउस गैसों में होने वाली वृद्धि के लिए किया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें मुख्यतः जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन और CFC हाइड्रोफ्लोराइड कार्बन है। ग्रीन हाउस गैसें उनके स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन और औद्योगिक इकाइयों से प्रयुक्त होता है। मीथेन दलदली भूमि कीचड़ पशुओं की हड्डियों से होता है। नाइट्रस ऑक्साइड नाइलॉन उत्पादक कोयला दहन मृदा में नाइट्रोजन का विखंडन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वातानुकूलित रेफ्रिजरेटर ईथर और फोम द्वारा जलवाष्प वायुमंडल समुद्र और हिमखंड द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस
गैसों के कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पार्थिव विकिरण के लिए अपराग्रस्त के कारण अधिक खतरनाक माना जाता है। वर्तमान औद्योगिक युग में लगभग 8 से 10 मैट्रिक टन कार्बनिक पदार्थों का प्रतिरोध उत्सर्जन होता है। पिछली एक शताब्दी में 0.8 तापमान में वृद्धि हुई है। 2030 तक 3 डिग्री की संभावना है। 0.8 से 3 डिग्री की संभावना है। भूमंडलीय ताप में वृद्धि से समुद्री तल में वृद्धि होने से उसके अनेक द्वीप नष्ट हो जाएंगे। खाद्यान्न उत्पाद में गिरावट आएगी। जलवायु में परिवर्तन कारक पर्यावरणीय तंत्र प्रभावित होगा। नेक्स्ट, वायुमंडल और इसका महत्व। जीवों के लिए अनिवार्य रूप से भौतिक तत्व निर्माण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ओजोन आदि से हुआ है। जल वाष्प, धूल कण भी इसके घटक हैं, जो क्रमशः वर्षा और सौर प्रक्रिया में सहायक हैं। वायुमंडल कांच घर की तरह और विकिरण को प्राप्त करता है। इससे मौजूद ओजोन परत पराबैंगनी जैसी खतरनाक किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। नाइट्रोजन हम जहाँ जीवधारियों के विकास, वही ऑक्सीजन जीवन के लिए आधार होता है। इसका वर्गीकरण क्रमशः छोर मंडल, समताल मंडल, स्थल मंडल और आनंद मंडल। वायुमंडल मौसमी संबंधी समस्त गतिविधियाँ छोर मंडल में तथा ओजोन परत समताप मंडल में, रेडियो तरंगी आयन मंडल में पाई जाती है। हीलियम, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन आदि से हुआ है। जल वाष्प, धूलकण भी इसी घटक हैं, जो क्रमशः वर्षा और सौर प्रकरण में सहायता करते हैं। वायुमंडल कांच घर की तरह और विकिरण को प्राप्त करता है। इसमें मौजूद ओजोन परत पराबैंगनी जैसे खतरनाक किरणों से हमारी रक्षा भी करती है। नाइट्रोजन जहाँ जीवधारियों के विकास, वहीं ऑक्सीजन जीवन के लिए आधारशिला है। या भी जाने ऑक्सीजन परत, ऑक्सीजन लेयर समताप मंडल में मौजूद पृथ्वी की छतरी के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। डॉप्सन इकाई में नापा जाता है। फ्लोरो क्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि से ओजोन प्रभावित होती है। अच्छा विकल्प वृक्षारोपण तथा CFC उत्सर्जन पर रोक है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान भरतपुर में, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कलकत्ता में, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में है। सलीम नीचे नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में है। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है। विलुप्त डोडो पक्षी मॉरिशस का है। नवाबगंज पक्षी उद्यान उन्नाव में है। ऑर्थिनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कराता है। भारत के महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। वहीं पे सलीम अली पक्षी विज्ञान जो है केंद्र कोयम्बटूर में है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा हैमिंगबर्ड है। सबसे लंबी उड़ान भरने वाला पक्षी इंडियन बस्टर्ड है, जो संकरग्रस्त श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जैवमंडल कॉरिडोर, जो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और शामिल है। संयुक्त स्तर पर पर्यावरण का प्रबंधन किया जाता है। इसी क्षेत्र में हिमाचल और शीत रेगिस्तान जैवमंडली अभ्यास के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इन सीटू संरक्षण, यह स्थल मंडल पर विभिन्न प्रकार के जीवों, जंतुओं और पौधों का संरक्षण उनके प्रतिगत आवासों में होता है, जो इन्हें इन सीटू संरक्षण कहते हैं। यह प्राकृतिक और प्रभावशाली संरक्षण विधि है। एक्सीटू संरक्षण, इसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण प्राकृतिक विधि से न करके मानव निर्मित आवासों में होता है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, धरातली, महासागर तथा अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में इसका मौजूद जीवों में अध्ययन, विभिन्नता एवं अंतर संबंधों को कहते हैं। जैव विविधता को महत्वपूर्ण दर्जा देने का श्रेय ईओ विल्सन और WA रोजर्स नामक वैज्ञानिकों को 1992 में ब्राजील रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में इसे मुख्यता के साथ उठाया गया। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती। भारत में जैव विविधता रक्षित क्षेत्र में प्रथम नीलगिरी और नवीनतम पश्चिमी घाट माना जाता है। कोलादेव नेशनल पार्क जो है भरतपुर में, विंदाल पक्षी चिल के पेड़ में, बंदीपुर में, रंगा रिट्ठू पक्षी विहार मैसूर में है, चिल्का पक्षी विहार उड़ीसा में, नल सरोवर गुजरात में, सुल्तानपुर झील हरियाणा में, नाटापट्टा पक्षी विहार नेल्लोर में,
नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, काजीरंगा असम में, मानस असम में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गिर गुजरात में, जांजीग्राम जम्मू कश्मीर है, होंगुल पाया जाता है, बंदीपुर कर्नाटक, बांधवागढ़ मध्य प्रदेश, केवलादेव राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, दुधवा उत्तर प्रदेश, शिमली पार्क उड़ीसा, पेंच महाराष्ट्र, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, सुंदरवन पैरियर केरल, हाथी पैरियर में, हाथी मानस में, घड़ियाल गुडी में, घड़ियाल भितरकनिका में, जंगली गधा छोटा कच्छ और छोटा वन में, गैंडा काजीरंगा, तितली बनेरघट्टा में, पक्षी केलादेव में, सफ़ेद भालू डांचीग्राम में, एशियाई शेर गुजरात में, घड़ियाल कुकरैल में, गिद्ध पिंजौर हरियाणा में, डल्फिन विक्रमशिला बिहार में, सफ़ेद बाघ नंद कानन उड़ीसा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरवन में पाया जाता है। ये समुद्री योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन, जबकि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल कॉर्बेट पार्क चिपको आंदोलन बच्चों को बचाने हो उत्तराखंड में सुंदरलाल बागुना द्वारा चलाया गया। स्थायी परिस्थिति तंत्र का सबसे बड़ा महासागर परिस्थिति संतुलन बनाए हेतु मैदानों की क्षमता 33 और पहाड़ियों की 65 चाहिए। एशियाई शेरों के लिए अभयारण गिर है जिसमें 523 हैं। डेडोन मॉरिशस जो अब विलुप्त हो, विश्व वन जीव कोष WWF का मुख्यालय ग्लैड और संयुक्त राष्ट्र 1972 नैरोबी केनिया में है। प्रदूषण संकेत वाहक लाइकेन वन विविधता का भंडारण कटिबंधीय वन माने जाते हैं। होगुल मृग डांचीग्राम राष्ट्रीय नेशनल तथा सकाय हिरणों के केबुल लामजोंग मणिपुर अभयारण्य प्रसिद्ध है। पर्यावरण का आतंकी वृक्ष यूकेलिप्टस है। जंगली गधों हेतु कच्छ छोटा वन तथा गैंडों हेतु मानस और काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है। डाइक्लोफेनिक प्रबंध दवा के सेवन द्वारा उसके मांसपेशी से किडनी और जेनेटिक प्रणाली को प्रभावित होने आज गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं जिसके संरक्षण के लिए 2002 में आरम्भ किया गया। जल इसकी गुणवत्ता का निर्धारण बीओडी तथा पीएच के द्वारा की होता है। हु का मानक प्रति लीटर फ्लोराइड की मात्रा 0.01 है। आर्सेनिक की मात्रा 0.05 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्षा का जल आज शुद्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके वायुमंडलीय कार्बनिक तत्व SO2 नहीं घुले। जल की शुद्धता के हेतु क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। मिनीमाटा डिजीज पारा की वजह से तो ईटाइटाई कैडमियम से होती, ब्लूबेरी सिलियम नाइट्रेट से, ब्लैकफुट आर्सेनिक की वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से, फ्लोराइड जो होता है फ्लोराइड की वजह से, एडशेन गोल्डेन पांडा सासाकावा गोल ओवर 500 राइट बिल्ली एड आदि पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पर पर्यावरणीय संरक्षण हेतु दिए जाते हैं। परिस्थिति पिरामिड में विचार विमर्श चार्ल्स एल्टन ने दिया था। कोले के दोन एथनोकॉमिक्स सिलिका एथनो धूल के कण बताए। रोग का नाम सिलिकोनिस एलस्टोन एस्टोनोकोनिस लोहे का रेडियोकोनिक्स गन्ने के लिए बैगनोसिस कपास का बीसिनोसिस 2003 से 2017 में चालू करे गए। चलिए और देखते हैं इम्पोर्टेंट। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मानस राष्ट्रीय पार्क बाल पेट में है। चीता भालू हाथी है। नामदफा तिहर में है। हाथी हिरण सांभर चंद्रप्रभा वाराणसी में। तेंदुआ भालू सांभर दुधवा लखीमपुर में है। बाघा चीत और नीलगाय फिर शिमली पार उड़ीसा में है। नालापट्टी पक्षी विहार नेलौर में है। वेतांगल पक्षी विहार चिलगट पेट जली पक्षी हैं बंदीपुर राष्ट्रीय बांदीपुर में है। रंगा थीटू पक्षी विहार मैसूर में। पेरियर हुंडी में। गिर जूनागढ़ में। जल दाफारा जलपाईगुड़ी में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व परगना में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद में। माधवा कान्हा सिसली बालाघाट में। बांधवागढ़ फॉसिस राष्ट्रीय मंडला में। इंद्रावती बस्तर में। पेंच नागपुर में। रणथंभौर राजस्थान में। सरिस्का अलवर में। किलादेव भरतपुर रोहिला कुल्लू में। पारिस्थितिकी पिरामिड में जीवों की संख्या का प्रदर्शन सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार का होता है। एक जैसे एक पेड़ के परिस्थिति तंत्र का पिरामिड उल्टा बनेगा। घास मैदान के पिरामिड सीधे बनेंगे। इसी प्रकार तालाब के परिस्थिति तंत्र का जीव पिरामिड उल्टा बनेगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही होता है। जीव संख्या का पिरामिड बताया गया यहाँ पे। पहला जो है उत्पादक यहाँ पे द्वितीय में
तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ एग्जाम पॉइंट। प्रदूषण की अधिकता के कारण दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मूल अधिकार है तथा इसे अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा गया। रामसर संधि अर्धभूमि के संरक्षण में जुड़ी संधि फसल चक्र मृदा की उर्वरकता में वृद्धि हेतु अपनाया जाता है। अंटार्कटिका में भारत का पहला केंद्र दक्षिण गंगोत्री वही आर्कटिक में पहला हिमाद्री है। नारजुगन सागर भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण RGRB का गठन 2009 में किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में जबकि वन जीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा जबकि इपको आंदोलन के नेता पांडुरंग हेंगड़े थे। जल प्रदूषण को दूर करने में सहायक वनस्पतियाँ सिंघाड़ा हाइड्रिला एजोला नाइपोनिया लेमा आदि हैं। पवन ऊर्जा में चीन प्रथम भारत में तमिलनाडु द्वितीय है। कीट भच्छी पौधे के उदाहरण हैं डेसेरा यूटिकलेरिया डायोनिया आदि। सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों असम में पाई जाती हैं। भारतीय वन जीव बोर्ड गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। टेहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और भीलसंडा नदी के तट पर हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण पर्यावरण विरोधी माना जाता है। रेडियो धर्मी प्रदूषण जनित रोग के अंतर्गत चर्म रक्त आदि कैंसर शामिल है। भारत में सर्वाधिक रेडियो कर्मी प्रदूषण केरल में पाया जाता है। ऊर्जा स्रोतों में पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूलन माना जाता है। सौर ऊर्जा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस लेह में है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान निकोबार में। रेडियो धर्मी प्रदूषण जनित रोग चर्म रक्त आस्ती और भारत में रेडियो प्रदूषण पाया जाता है। केरल में समुद्री शैवाल स्रोत आयोडीन पाए जाते हैं। सिल्वी कल्चर संबंधित है सिल्क से। सुधार मृदा सुधार हेतु जिप्सम पाइराइट और जैविक रसायन के उपयोग से फसल चक्र अपनाया जाना चाहिए। कुनैन औषधि प्राप्त होती है सिंकोना पौधे से। बायोडीजल के तैयार किया जाता है जट्रोपा से। ग्रीन मल्सफ्लर संबंधित ध्वनि प्रदूषण से है। ध्वनि संकेतक पौधा कहा जाता है लाइकेन। विश्व जीव कोष का मुख्यालय ग्लैड बायोटेक सिटी लखनऊ में पाया जाता है।